हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस एडवेंचर। और हम लोग आज 13.3 एक्सरसाइज का पूरा सलूशन लेके आए हैं। इसमें वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। इसी क्रम में आपको 13.1, 13.2 भी वर्ड फ्लोरम था और ये भी वर्ड फ्लोरम है। डायग्राम भी जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ बनाएंगे और कैलकुलेशन करके लास्ट में आंसर लाएंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जनरली जो एक सॉलिड फिगर है उसको मेल्ट करके दूसरे सॉलिड फिगर में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ पीछे देख रहे हैं, एक स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट करके बना दिया गया सिलेंडर। तो वो मेल्टिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये इनमें एक चीज़ कंसेप्ट में आपको यूज करना है कि दोनों फिगर्स जो होंगे, जो पिछला था और जो बाद में हो गया, दोनों फिगर्स के जो वॉल्यूम होंगे वो कॉन्स्टेंट होंगे। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट का कंसेप्ट हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो देखते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए, एक स्फीयर है, इसको सर्किल ना समझें आप लोग। एक स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया गया है और स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है और सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, सिलेंडर का हाइट पूछा है। तो यहाँ पर कंसेप्ट जो बताया बताया कि मेल्टिंग वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4/3 pi, और आर क्यूब मतलब 4.2 × 4.2 × 4.2। फॉर्मूला का लिस्ट पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पहले ही अपलोड कर दिया गया है, उसको जाके वहाँ पर देखिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर यानी 6 × 6 और इंटू एच, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है। एक काम कीजिए, 6 से काटिए तो 6×7 = 42, फिर यहाँ पर फिर से 6 से काटिए तो 6×7 = 42, ठीक है। अब तो कुछ कटेगा नहीं, वहाँ भी कुछ बचा नहीं। तो हाइट का वैल्यू आ गया 4/3, 0.7 × 0.7 × 4.2, ठीक है। अच्छा, 4.2 भी कैंसिल हो जाएगा, उसको क्यों रखे हुए हैं। 4/3 से ये 1 बार में और ये 1.4, ये आंसर आपका आ गया। इसको जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई पार्ट जो है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। 7×7 × 49 होगा 49 और इंटू 4, 14 × 4 जानते ही हैं कितना होगा, 14 × 4 हो जाएगा 56, जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करके आप लिख दें, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन लास्ट में जो एक स्टेप होता है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा और बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्या दिया हुआ है, अ मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6, 8 and 10। तीन मेटालिक स्फीयर हैं, एक है रेडियस 6, एक है रेडियस 8, एक है रेडियस 10। इसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया है। जिसका रेडियस हमें निकालने बोला है। अब बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे और तब इसके वॉल्यूम के बराबर करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। तीनों का वॉल्यूम आप मान लीजिए V1, V2, V3, और ये इसके बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबके पता है 4/3 pi r² pi r³, तो 4/3 pi, r क्यूब मतलब 6 का क्यूब, प्लस 4/3 pi 8 का क्यूब, प्लस 4/3 pi 10 का क्यूब। उधर क्या आएगा, 4/3 pi और ये r निकालना है तो r का क्यूब।
4 by 3 pi, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi कॉमन निकाल के इसमें काट दीजिए आप लोग। तो 4 by 3 pi को कॉमन निकाल लीजिए, तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। उधर क्या है, 4 by 3 pi r³। तो 4 by 3 pi, 4 by 3 pi कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। बस सॉल्व करना है, 6 का क्यूब देखिए कितना होगा, 216, 8 का क्यूब होगा 512, 8 × 8 × 8, और 10 का क्यूब होगा 1000। और ये क्या है, ये आर क्यूब के बराबर है, इसको जोड़ लीजिए। तो 6 और 2 8, 2 और 1 और 1 2, 5 और 2 7, और ये 1, ये आ गया आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, ये हटा के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728। इसका ट्रिपलेट बनाइए, ट्रिपलेट बनाने के लिए आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इसका कैलकुलेशन मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है। नहीं भी आता है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, यहाँ लिखिएगा 2, रहा कितना 2 × 16, रहा कितना 6 और 4, फिर 2 से काटिएगा तो 4 3 2, फिर 2 से काटिएगा तो 2 और 16, फिर 2 से काटिएगा तो 108, फिर 2 से काटिएगा तो 5 और 4, फिर 2 से काटिएगा तो 27, अब तो 3 से कटेगा जाएगा 9 × 27, और फिर 3 से कटेगा तो 3, तो ये आ गया। देखिए 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो 2 × 2 × 2, फिर यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो फिर अगेन 2 × 2 × 2, और 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो 3 × 3 × 3। तो जिसका ट्रिकरी बन रहा है तिकरी, उसका एक एक टर्म बाहर निकाल दीजिए, इससे 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा, तो 6 × 2 = 12, 12 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको सफाई से बनाना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ें, ओके। इसी तरह से समझदारी से जो ट्रिक जो फॉलो करता हूँ मैं, उसका अनुसरण कीजिए और क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गाइडेंस है, कुछ स्पेशल बात है। एनसीईआरटी में एक तरह के 5 क्वेश्चन नहीं होते हैं, एक तरह के इकलौता ही क्वेश्चन होता है, उसी में कुछ ना कुछ सीखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 meter डीप वेल विथ डायमीटर 7 meter, ठीक है। एक कुआं है, ये कुआं ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप का है, ये क्या दिया हुआ है 20 meter डीप वेल, तो 20 meter गहरा कुआं है, गहराई दी हुई है, डायमीटर 7 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर अगर 7 दिया है तो रेडियस 7/2 हो गया, ठीक है। ये यहाँ से ये रेडियस हो गया, इस डग उसमें से मिट्टी निकाल के, इसमें जो मिट्टी निकला, मिट्टी निकाल के एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, इस तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया गया, ये प्लेटफॉर्म बना दिया गया एक, सपोज दैट इस तरह से, ठीक है, तो ऐसा ये ऐसा चौड़ा इस तरह से, इस तरह से मिट्टी इसमें भर दिया गया, ठीक है। तो उसका प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है कि भाई 22 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, मिट्टी ढाल दिया गया, और 14 मीटर मोटा चौड़ा है ये, तो इसकी मोटाई कितनी होगी, मतलब ये जो हाइट है, ये जो इसकी मोटाई है, मोटाई समझ लो ना, यहाँ पर मोटाई, ये वाली, ये मोटाई कितनी होगी, तो वही है इसका मिट्टी का वॉल्यूम, इसके मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये क्या है, ये सिलेंडर है, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दीजिए,
तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 7/2 दो बार पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। सॉल्व कर लीजिए बस, यहाँ पाई का वैल्यू रखने की जरूरत है क्योंकि 22 यहाँ पर दिख रहा है आपको ना, इसीलिए रखने की जरूरत है। सॉल्व कर लीजिए, 22 से ये 22 गया, 7 से एक 7 गया, 2 से ये 10 बार में गया, 7 से ये 2 बार में गया है ना, 2 से ये 5 बार में गया, ठीक है। यानी आपका इधर बचा 5, उधर बचा 2h, यानी h का मान कितना आ गया, 5/2 मीटर, यानी 2.5 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहता है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन जैसे मैंने काट रहा हूँ उसको ध्यान दो कि सामने सामने काटा, ऊपर नीचे काटा, तो वो चीज़ ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म, आगे बढ़ें। चलो सारे क्वेश्चन धीरे धीरे इसी तरह से बनेंगे, बहुत आराम से मैं बनाऊँगा, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पता चलेगा कि हाँ आराम से काट के बन रहा है, हड़बड़ी कुछ नहीं का, हड़बड़ी कोई चीज़ का नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से कुआं वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा हट के है। बोला है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है। 4 में क्या है कि एक कुआं है, इस कुएं का रेडियस दिया हुआ है 3/2, एक्चुअली में डायमीटर दिया था 3, तो रेडियस होगा 3/2, इंटरनल रेडियस है ऑब्वियसली ये वाला, ठीक है। अब इससे मिट्टी निकाल के एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरा मतलब एम्बैकमेंट बनाया गया, उस एम्बैकमेंट की विथ है 4, ये विथ है ये इतनी, ये यहाँ 4 और यहाँ 4। तो ये एम्बैकमेंट मतलब कैसे बनाया, मिट्टी डाल के बनाया, तो मिट्टी जैसे जैसे डालते जाएंगे सर्कुलर एम्बैकमेंट बनता जाएगा। सर्कुलर एम्बैकमेंट है यानी ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप का एम्बैकमेंट है, इसका हाइट नहीं पता, वही हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो जो मिट्टी निकाली है कुआं से उसका वॉल्यूम और एम्बैकमेंट का वॉल्यूम बराबर है, ये तो कंसेप्ट समझ में आया होगा कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, कुआं। अब दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं, उसी में एच रहेगा कहीं ना कहीं, तो क्या करें, वॉल्यूम ऑफ वेल पहले निकाल लीजिए, बड़ा आसान है निकालना, पाई आर स्क्वायर एच, ये भी सिलेंडर है वो भी सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू 3/2 और हाइट है 14, तो 2 से ये 7 बार में गया, पाई का वैल्यू रख ही दीजिए 22/7 है ना, तो 7/7 कट गया, ठीक है, 2 से 11 बार में कट गया, तो 9 × 11 होता है 99 मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो एक है इंटरनल रेडियस जो कि 3/2 है, एक एक्सटर्नल रेडियस ये होगा, तो इंटरनल वॉल्यूम में से एक्सटर्नल वॉल्यूम घटाइएगा तो ही आएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। पहले इंटरनल रेडियस कितना है, सबको पता है इंटरनल रेडियस 3/2 मीटर, एक्सटर्नल रेडियस ये कितना है, ये है 4 मीटर, 4 + 3/2 तो ये कितना हो जाएगा 11/2 मीटर। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम घटा दीजिए, एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच माना है, माइनस पाई आर स्क्वायर यानी 3/2 इंटू एच, कॉमन शॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ कर दें, कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई इंटू एच कॉमन निकाल लीजिए, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो पाई तो रखेंगे 22/7, हाइट है एच, ये हो गया 121/4, देखो 11 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9/4 इजकल टू वॉल्यूम ऑफ वेल कितना है 99,
सॉल्व कर लीजिए बस। देखो ये 11 से काटो दो बार में, ये 11 से काटो नौ बार में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, 2/7 इंटू एच। देखो ये एलसीएम आ जाएगा 4, 121 में से 9 गया तो कितना बचा, 113, ठीक है ना। एक मिनट, 7, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 12 बचा, ठीक है, ओके, इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 से इसको काट दीजिए, तो 7 से ये एक बार में कटा और ये 7, 4, 11 यानी 6 बार में कटा, ठीक है। जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 7 से ये कितने बार में कटा, 6 बार में, और ये 4 से ये 4 बार में, तो ये 4 × 2 = 8 हो गया, 8h, और ये 9 हो गया, तो h कितना आ गया, 9/8 मीटर, 9/8 मीटर। ये यहाँ से ना मैं यहाँ गया हूँ देखो, और इसका वैल्यू फिर इसके सामने सामने रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h का वैल्यू वही आएगा 1 point something, h का वैल्यू आ जाएगा 1 point something आएगा ना, देख लेते हैं कितना आएगा, एक बार में 1.125 मीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना, प्रैक्टिस करना, ये सब क्वेश्चन जल्दी आते हैं, चलो मिटा देते हैं। और 4 क्वेश्चन, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 एंड हाइट 15, रेडियस हो गया 6 और हाइट है 15, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कोन ऑफ हाइट सेंटीमीटर 12 एंड डायमीटर 6, हाइट 12 और डायमीटर 6 है तो रेडियस हो गया 3। तो बोला है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोन्स, ओके, विथ हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप, ओके, हाउ मेनी आइसक्रीम का कोन बने। जैसे देखो होता क्या है ना, क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं, ये है सिलेंडर, आइसक्रीम वाला सिलेंडर है इसमें, ठीक है, इसका रेडियस, इसका हाइट दिया हुआ है, इसमें से आइसक्रीम निकाल के एक कोन वाला आइसक्रीम बनाना है इस तरह से, ऐसा, ये तो ये ऊपर में क्या है, ये ऊपर में हेमिस्फीयर है और नीचे में क्या है, एक कोन है, हेमिस्फीयर है तो अच्छा रेडियस कितना है, रेडियस है 3 और ये जो हाइट है, ये हाइट है 12, तो ऐसे कितने आइसक्रीम बन जाएंगे, इसमें से निकाल निकाल के बनना है, बनाना है, इसमें भरना है, ये इस तरह का आइसक्रीम है, तो कितने हो जाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है इसमें, इसका वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आइसक्रीम सिलेंडर, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इंटू नंबर ऑफ कोन, एक का वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ कोन का वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोन, ये मिलके क्या बनेगा, पूरे वॉल्यूम का, सिलेंडर का वॉल्यूम बनेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया, अब इसको बनाओ, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर यानी 6 × 6 और हाइट है 15। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, एक वॉल्यूम का कोन, देखो कोन नहीं है ये हेमिस, ये आइसक्रीम का कोन है, कोन नहीं है ये, कोन में क्या है, हेमिस्फीयर भी है, सिर्फ कोन थोड़ी ना है। तो इसका अलग से निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आएगा देखो, यहीं निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, आइसक्रीम निकाल लो, कितना आएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² यानी 3 का स्क्वायर इंटू हाइट, प्लस हेमिस्फीयर कितना होगा, 2/3
पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये तीन से ये तीन कट गया, तो 12 तीन 36 पाई, तो ये हो गया 36 पाई प्लस ये भी एक तीन से तीन कट गया, तो तीन का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी 18, 18 पाई। बोले समझ में आया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 दूनी 18, 18 पाई। 18 और 36 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 54 पाई, ठीक। यानी इसको किसके बराबर करना है, 54 पाई के बराबर करना है, और इंटू एन। काटना शुरू कीजिए, 6 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 9 6 54, ठीक है। इसके बाद पाई से पाई तो ख़त्म हो गया, उसके बाद देखिएगा तो ये काटिएगा 3 से, तो ये 3 से 2 बार में, ये 3 से 3 बार में, फिर ये 3 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो n का मान कितना आ गया, 10, 5 दूनी 10 है ना। इसका अलग से निकाले हैं और निकाल के यहाँ रख दिए, बस कुछ नहीं किए। समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, लेकिन कंसेप्ट यही है कि वॉल्यूम ही बड़ों को बराबर कर रहे हैं हम लोग हर बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मेनी सिल्वर क्वाइन 1.75 इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस दिस दिस। क्वेश्चन कुछ नहीं है, इस तरह का एक सिक्का है, सिक्का मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इस तरह से एक क्वाइन है, ऐसा हालांकि इसी शेप का क्वाइन होता है लेकिन सिलेंड्रिकल शेप का ही क्वाइन होता है, इसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना दिया गया। ठीक है, ये दिया हुआ है कि इसका हाइट है 2 mm और इसका डायमीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ कितना, 1.75 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड जो है वो है लेंथ ब्रेथ हाइट का 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। बोला ऐसा कितना क्वाइन आप पिघला के ऐसा क्यूबॉइड बना सकते हो, तो मान लीजिए n क्वाइन को पिघला के बन सकता है, तो इसका एक का वॉल्यूम इंटू n इसके क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ क्वाइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बस तो n है, कॉइन भी सिलेंडर है, क्वाइन तो सिलेंडर है ही ना, तो पाई आर स्क्वायर, मतलब अब r में यहाँ पर देखो ये r नहीं है, r कितना होगा इसका, इतना बटा 2 होगा, ये इसका r होगा, ये लिख दो 1.75/2 इंटू 1.75/2 और इंटू हाइट है 2 mm। अब 2 mm को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, यानी 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, तो 2 mm में कितना, 2/10 होगा, तो 2/10 हो गया। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख दीजिए, 5.5 10 इंटू 3.5 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये पूरा आप सॉल्व करिए, अब डायरेक्ट सॉल्व कैसे करें, पहले पॉइंट का झमेला हटा दीजिए, यहाँ से हटाइए 200, तो यहाँ बचेगा 0 0, यहाँ भी बचेगा 0 0, यहाँ पर हटाइए पॉइंट पॉइंट, यहाँ भी बचेगा 10, यहाँ भी बचेगा 10, ठीक है। ये 10 से 10 कट गया, ठीक है, ये 10 से ये 10 कट गया, ये 2 11 से ये 2 बार में, ये 11 से ये 5 बार में, बहुत सारे चीज़ कट जाएंगे। 7 से काटिएगा, 7 2 14, 7 5 35, ठीक है। अब ये कट जाएगा 5 से ये 5 बार में, देख लो, ये कट जाएगा 5 से ये 7 बार में,
ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है। चलो दो से इसको काट दो 100 बार में, ये भी दो से काट दो 100 बार में, बहुत हौच पौच हो गया ना। चलो जो बचा उसको लिख देते हैं 175/100 × 100, और ये है (n)=7। उधर कुछ बचा नहीं है, 7 मिस्टेक, 7 से ही कटेगा ऑब्वियसली, 7 से ये 2 बार में और ये 5 बार में, ठीक है, 25 से ये 4 बार में, इधर तो बचा 1, तो (n)= कितना हो जाएगा 400। देखो 400 उधर चला गया, ये आंसर हो गया, ख़त्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बालू पड़ा हुआ है, इसका हाइट है 32 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर। इसको उल्टा करके उघेर दिया तो ऐसा करके कोनिकल स्ट्रक्चर बन गया, ऐसा करके कोन बन गया, ये कोन भी वही सैंड का बना हुआ है, ठीक है, ऐसा उल्टा करेंगे तो कोन जैसा बन गया। उल्टा करके जब सैंड को जब निकाला गया सैंड को, तो ऐसा करके कोन जैसा बन गया, देखा भी होगा ऐसा बन जाता है कभी कभी, ठीक है, तो कोनिकल हीप बन गया, ये क्या है, कोनिकल हीप है ये, ठीक है। तो इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, ये हाइट है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस निकल जाएगा। देखो वही है क्वेश्चन कि वॉल्यूम दोनों का बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर का वॉल्यूम वही पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर नहीं पता और हाइट है 24। सॉल्व कर लीजिए इसको, बस पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक है, 3 से ये कितनी बार में गया 8 बार में, 8 से ये कितनी बार में गया 4 बार में, बचा क्या, इधर बचा आर स्क्वायर, इसको इधर लिख देते हैं, ये 18 × 18, 4 को लिख दो 2×2, आर इधर हट के इधर आएगा स्क्वायर रूट, तो ये जाएगा 18×2, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, यही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम सारी चीज़ें बना दी, हालांकि इस एक्सरसाइज में एक भी डायग्राम नहीं है, लेकिन अपने सूझबूझ से डायग्राम बना के समझाना और लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है। देखो ये कैनल है, कैनल मतलब जिसमें पानी निकल रहा है, नाली जैसा समझो, नाली क्यूबॉइड जैसा है, इसका विड्थ, इसका गहराई दिया हुआ 1.5 मीटर का, इसका चौड़ाई दिया हुआ 6 मीटर का, और पानी जिस रेट से फ्लो कर रहा है ऑब्वियसली थ्रू लेंथ ही फ्लो कर रहा है ना, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर पानी निकल जाता है, और पानी निकल के कहाँ जाता है, डायरेक्ट यहाँ जाता है एक मैदान में, फील्ड में, और 30 मिनट के लिए पानी यहाँ तक जाता है, और 30 मिनट तक पानी जब इसमें जाएगा तो पानी का लेवल इसमें बढ़ जाएगा, तो पलता है पानी का लेवल जो है 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब पूरे मैदान में पानी फैल जाता है, फैलते फैलते कितना ऊंचा हो जाता है पानी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है हाउ मच एरिया ऑफ फील्ड इरीगेटेड, कितना एरिया में पानी फैल जाएगा इरीगेशन के लिए, इरीगेशन मतलब जिसमें पानी, धान वगैरह जो होता है, धान की फसल जो आपकी बनाई जाती है तो उसमें पानी वाले दिनों में बनाई जाती है, या कभी कभी पानी की आवश्यकता होती है तो पानी छोड़ दिया जाता है पाइप लगा के, आधा घंटा के लिए छोड़ दिया गया, आधा घंटा के लिए छोड़ा गया तो कितना हाइट तक पानी गया 8 सेंटीमीटर तक पानी गया, तो कितना एरिया में पानी चला गया, कितना बड़ा एरिया है इस फील्ड का, तो इसमें भी वॉल्यूम ही बराबर करना, लेकिन थोड़ा विचित्र है। देखो है क्या क्वेश्चन कि ठीक है वॉल्यूम ऑफ कैनल तो है, वॉल्यूम ऑफ कैनल इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ फील्ड करेंगे, लेकिन एक यहाँ पर कमी है, ये जो टाइम है, टाइम कहाँ एडजस्ट होगा? तो जो छोटा वाला फील्ड या छोटा वाला वॉल्यूम है उसमें टाइम मल्टीप्लाई हमेशा करना, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ही ऐसा ऐसा आता है। दोनों में कौन छोटा है? ऑब्वियसली नाला, कैनल छोटा है, तो इसमें टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको कि 30 मिनट का टाइम लेके कैनल ने 8 सेंटीमीटर ऊंचा वॉल्यूम वाला पानी बना दिया, तो 30 मिनट किसमें मल्टीप्लाई होगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम को ध्यान में रखना, यूनिट वगैरह भी थोड़ा सा अभी आपके एडजस्ट में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे करना है। टाइम का रखिए वैल्यू, अब समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इनटू टाइम, इतने टाइम में ये पूरा मैदान को भर देता है। टाइम कितना है? 30 मिनट। अभी देखो मैं यूनिट के साथ लिख रहा हूँ, बाद में यूनिट कन्वर्ट करेंगे। कैनल किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है, बोलो। ये किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ तो दिया ही नहीं है, तो ये मदद के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जो पानी बह रहा है पानी लेंथ के थ्रू जा रहा है ना, तो एक घंटा में 10 किलोमीटर चल जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? 10 किलोमीटर एक घंटा में। ये क्या है? ये लेंथ पर यूनिट टाइम है, ठीक है। लेंथ आ गया, लेंथ का खत्म कहानी। ब्रेथ कितना है? 6 मीटर। और हाइट कितना है? 1.5 मीटर। अभी कन्वर्ट होगा, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इधर आइए, फील्ड के बारे में बस टाइम दिया था, वो तो यहाँ चला गया। हाइट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन लेंथ इनटू ब्रेथ तो दिया ही नहीं है। तो क्यूबॉइड का एक और फॉर्मूला होता था, एरिया इनटू हाइट, ये लगा दीजिए। और चूंकि एरिया ही पूछा है इसलिए जानबूझ के नहीं दिया हुआ है, तो एरिया इनटू हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब सब का यूनिट एक ही रहना चाहिए, टाइम का यूनिट भी या तो आवर में रखो या तो मिनट में रखो, लेंथ ब्रेथ हाइट भी या तो किलोमीटर में रखो या तो मीटर में रखो या तो सेंटीमीटर में रखो, या तो तीन तीन यूनिट है, सब कन्वर्ट करेंगे। अभी इस 30 मिनट को लिख दो आधा घंटा, हाफ आवर लिख सकते हैं। 10,000 किलोमीटर इसको मीटर में कर दो, तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर में आ गया, ठीक है ना, 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक आवर, ये तो सब मीटर में ही है भाई, मीटर में रहेगा। एरिया पता नहीं, निकालना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 100 से डिवाइड कर दो, अब सॉल्व कर लो, ठीक है, हो गया। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, एक आवर से एक आवर कैंसिल, अब सॉल्व कर लो, तो ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दीजिए, एक 10 से एक 10 कैंसिल, ठीक है। दो से ये 6 बार में, दो से ये 3 बार में, ठीक है। उसके बाद ये 4 से काटिए 2 बार में, और ये 4 से जब काटिएगा तो 100 को 4 से काटिएगा तो 25 आएगा, और 2 शून्य भी आएगा, ठीक है। फिर ये 2 से काट दीजिए तो ये कट जाएगा कितना? 1250 बार में, और तो कुछ बचा नहीं काटने के लिए, ठीक है। ऊपर का डायग्राम मिटा देते हैं, देखो ऊपर लिखते हैं, यहाँ क्या बचा? 1250 इंटू 3 इंटू 15, और तो कुछ बचा नहीं, और यहाँ बचा a, बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, मैं कर देता हूँ, 15 75, ये 75 से गुना कर दो, 5 5 25 5, बाकी बचा 2, और ये हो जाएगा 10 11 12, 5 1 6, ये रहेगा 7 5 35 5 2, 35 3, 7 3 4 9 17, और 7 1 8, 5 7 6 6 12 13, और 9, तो एरिया आ गया 9375 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर एरिया को ये इरीगेट कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हो गया नेक्स्ट। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर विद अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन डीप। कैनल है इस तरह का,
कैनल जो है वो इंटरनल डायमीटर मतलब सिलेंड्रिकल कैनल है, पाइप है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल पाइप है, इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है किससे, एक सिलेंडर इस तरह से देखो ऐसा, इस तरह से इसमें पानी जाना है लाइक दिस। फिर बोला है कि इंटरनल डायमीटर है 20, यानी इसका रेडियस है 10, ठीक है, इससे पानी जा रहा है, पानी जाके कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, इनटू अ सिलेंड्रिकल फील्ड विथ, ये मतलब कैन, ये सिलेंडर से ही पानी निकलेगा, वो उससे बात नहीं करना है आपको। यहाँ पर सिलेंडर में क्या दिया हुआ है, सिलेंडर में दिया हुआ है कि विच इज डायमीटर 10, इसका डायमीटर है 10 यानी इसका रेडियस है 5, ठीक है, इन विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डेप्थ, 2 मीटर डेप्थ है ये। पानी का रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम द टैंक विल फील्ड, कितने समय में पानी यहाँ तक भर जाएगा, कितने समय में पानी यहाँ तक भर जाएगा, ठीक है, क्या करें, कंसेप्ट वही है कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा और टाइम इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम छोटा है ऑब्वियसली, इस पाइप का वॉल्यूम छोटा है इससे, बस यही कर दीजिए डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ पाइप इनटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस हो गया। वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना होगा, पाई आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 × 10, और हाइट, यही हाइट यानी ये लेंथ दिया हुआ है ना, इसको अगर लेटा दीजिएगा तो लेंथ हो जाएगा, खड़ा कर दीजिएगा तो हाइट हो जाएगा। अब ये 3 किलोमीटर है, याद रखना इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, लेंथ पर यूनिट दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वही पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और हाइट है 2, सब मीटर में है, सब मीटर में। अब कैसे करें, ये तो भाई साहब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, उधर मीटर में है, इसको लिख ही दीजिए, देखो ध्यान से सुनो, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, क्या करें, सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, चलो पाई से पहले, पाई से पाई तो पहले कैंसिल ही हो गया, ये जाएगा 10/100 मीटर, और ये भी हो जाएगा 10/100 मीटर, ये 3000 मीटर, और ये घंटा, टाइम आएगा आवर में ऑब्वियसली, इनटू टाइम है, मल्टीप्लाई है, इनटू टाइम, ठीक है, ये भी आ जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर और 2 मीटर, चलो मीटर में सब कोई है, सब कैंसिल हो जाएगा, मीटर 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 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, क्या करें, ये देखिए 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, इधर 20 से 20 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, टी इंटू 30/आवर इज इक्वल टू 525, या 5 ही रख दो, 5 × 5 × 2, 5 से फिर से काट दीजिए 6 बार में, 2 से काट दीजिए आप 3 बार में, तो टाइम आ गया कितना, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर का डायग्राम मिटा देता हूँ मैं, कितना आएगा, टाइम आ गया आपका, ये आ गया 5/3 आवर, देखो आवर ऊपर चला गया, ये आपका मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 3 से ये 2 बार में, तो ये कितना आ गया, 100 मिनट, 100 मिनट यानी लगभग लगभग कितना हो गया, 1 घंटा 40 मिनट, फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, अगले क्लास में डेफिनेटली अगले लेक्चर में फ्लस्ट्रम का इंट्रोडक्शन और उसके फॉर्मूलेस और फिर उसके जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 13.4 से रिलेटेड वो करेंगे।
तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में बिल्कुल, और इसी तरह से सारे चैप्टर्स खत्म होंगे। थैंक यू वेरी मच।